मैंने कद्दूकस करके चुकंदर बीटू को पानी में डाल दिया। अब मैं इसमें अंडे डालूंगी ताकि इसका कलर इसमें चढ़ जाए। ये हमने अंडा बॉयल करके रखा है, इसको हम कद्दूकस करेंगे। ये मैंने प्याज और हरा मिर्ची और हरा धनिया अंडा बहुत जल्दी कद्दूकस हो जाता है। हम बना रहे हैं अंडा पराठा, कभी खाया नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्पाइसी बनाना होता है, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, हरा मिर्च, सब मिला के घुमाएंगे। अभी मैंने रोटी बेल के रखी है, इसमें नमक मिर्च डाल के रखा आटे में और उसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। आलू का पराठा जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, चाहे वैसे बनाओ चाहे इस तरह से बनाओ। अच्छे से फोल्ड कर देंगे, फिर यहाँ से फोल्ड कर देंगे समोसे की तरह। अभी हमारा बढ़िया अच्छी तरह से मिल जाएगा, कहीं से भी नहीं फटेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। अब हम जैसे रोटी बनाते हैं इसको बनाएंगे। अंडा पराठा, पनीर पराठा बनाते हैं उसी तरह ही बनाएंगे। कभी से थोड़ा सा घी लगाएंगे, ऑप्शन है मक्खन लगाएं, घी लगाएं, उसको रोटी की तरह बनाएंगे। अब हमारा एग पराठा अच्छे से पक गया। आइए पूरा अंडा अंडा करारा अंडा बन गया। अब हमारी बहुत टेस्टी और बढ़िया भुजी बन गई। धनिया जाएगा, अलग तरह की भुजी बनी है। लाइक करें। अब मसाला सिद्ध गया बढ़िया। अब इसमें अंडा फोड़ेंगे, दो अंडों की भुजी बनाएंगे और मस्त भुजी बनेगी। अब हम गैस को तेज करेंगे। इसी में हम धनिया चटनी डालेंगे, इसी में लहसुन अदरक सब डाला हुआ है। भुजी बना रहे हैं, ये डाल दिया मक्खन, ये डाल दिया प्याज, टमाटर, हरा मिर्ची, हरा धनिया, इसको बढ़िया से रोस्ट करना है। बढ़िया
जाएंगे लाल पाउडर, नमक, मसाला सीख गया। अब इसमें अंडा भरेंगे। दो अंडों की भुजी बनाएंगे और मस्त भुजी बनाएंगे। अब हम इसको चीज करते हैं। धनिया चटनी डालेंगे, इसी में लहसुन अदरक सब डाला हुआ है। हमारी बहुत टेस्टी और बढ़िया धनिया जाएगा। अमर चने की भुजी बनी है। लाइक करिए।